बदायूं से खबर आ रही है जहां मंचलों की घिनौनी करतूत सामने आई है। मंचलों ने युवती पर फेंका तेजाब। मंचलों ने किया था कमेंट, युवती ने कमेंट का किया था विरोध। युवती का कराया गया मेडिकल परीक्षण, परीक्षण के बाद मुकदमा दर्ज कर होगी कार्रवाई। लेकिन शोधों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि एसिड अटैक किया है, युवती का मेडिकल चेकअप हुआ है, इस परीक्षण के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। लेकिन हैरान और परेशान कर देने वाली यह खबर बदायूं से आ रही है जहां घिनौनी करतूत एक बार फिर से मंचलों की सामने आ रही है। युवती पर तेजाबी हमला किया गया क्योंकि फप्तियां अश्लील फप्तियां कसी थी और उसका विरोध इस लड़की ने, इस युवती ने किया था। युवती का मेडिकल परीक्षण किया गया, उसके बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी। और हमें बहुत पहले से मार्शान करते थे, 2 साल लोग से उन्होंने हमारी पढ़ाई बंद करा दी। फिर वो आए हमारे घर में, घुस के उन्होंने हमें पकड़ा पकड़ के फिर हमने की कि हम बचाओ बचाओ। हमारे घर वाले आए अंदर से, अम्मी और पापा, ये लोग आए, फिर इतने भी तेजाब डाल के भाग गए। अभी पहले भी परेशान किया था इन लोगों ने, तो हमने घर वालों से कहा, घर वालों को भी मारा इन्होंने। फिर हम पुलिस के भी यहाँ गए थे थाने में, वहाँ भी तहरीर की, इन्होंने ना सुनी, हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम सुनिए, बहुत पहले से परेशान करते हैं, टॉयलेट पे जाओ तो भी लेट थे। कौन कौन है? मुस्लिम है, मोनिस है, आमिर है, हजरत खान है, चार है। हम जो थे घर पे थे अंदर, ये लड़की चारा डालने को गई, जब चारा डालने को गई तो उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये चीखी कि पापा मुझे बचाओ, हम भागे एकदम, क्या बात है। तो उन्होंने हमारे जी डंडा दिया, देखो सर ने जब डंडा दिया तो मैंने कहा अरे पकड़ो पकड़ो, और आवाज़ मारी हमने सबको, तभी उसको मैंने बिगाड़ दो का चेहरा, उन्होंने कहा बिगाड़ दो चेहरा, पढ़ने से भी बिठा लीजिए हमने उन्हीं की खातर। मगर वो लोग माने नहीं, इसे तंग करते रहे। उसका बताया है कि उसको तेजाब डाली है, जलाया गया, उसके बाएं तरफ गर्दन पर जले के निशान थे, उसको उसका मेडिकल कर दिया गया, तो डॉक्टर उसको पूछा। पंकज गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और कार्रवाई कहां तक हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थाना आलापुर क्षेत्र के मैथु गांव का है, जहां पड़ोस के रहने वाले इस लड़के पर कमेंट करते थे, और जब इसने उसका विरोध किया तो उन लड़कों ने पहले तो इनके ऊपर भद्दी भद्दियां डाली थी और मारपीट की, और फिर इसके घर में अचानक घुस गए, घुसने के बाद इस पर तेजाब डाल दिया। ये जब ये थाने गई लड़की अपने परिजनों के साथ, तो वहां सुनी नहीं गई, थाने से भगा दिया गया। उसके बाद इस लड़की को अपने पिता के साथ एसएसपी ऑफिस गई और एसएसपी से मिली। एसएसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत इस लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके बाद आरोपियों को पकड़ने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल आरोपी फरार हो गए हैं और पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।